कर्नाटक विधानसभा की चूंटणी माटे मंगलवारे कांग्रेस पार्टीए पोतानो मेनिफेस्टो जाहिर कर्यो हतो। कांग्रेस तरफथी जाहिर करवामां आवेल घोषणापत्रमां घणा मोटा वायदा करवामां आव्या छे। आ साथे ज समाजमां द्वेष अने दुश्मनावट फैलावाना आरोपसर पीएफआई अने बजरंग दल पर प्रतिबंध मूकवाना प्रस्ताव पण चूंटणी ढंढेरामां रजू कर्यो छे। कांग्रेस पार्टीए जणाव्युं के देशनो बंधारण अने कायदो पवित्र छे अने पीएफआई बजरंग दल जेवा संगठनोने तेनुं उल्लंघन करी शके नहीं। कांग्रेस पार्टीए ट्वीट करी जणाव्युं के जो प्रदेशमां अमारी सरकार बनशे तो अमे कायदाने आधीन रहीने आवा संगठन पर प्रतिबंध मूकीशुं। आ साथे ज कांग्रेसे मेनिफेस्टोमां गृहज्योति स्कीम हेठळ कर्नाटकना तमाम घरोमां 200 युनिट मफत वीजळी आपवानी पण जाहेरात करी छे। आई वोंट टू मेक कर्नाटका ए ग्लोबल कर्नाटका, ए कर्नाटका विथ ए पीस, कर्नाटका विथ ए प्रोग्रेस, कर्नाटका विथ ए पॉजिटिव अप्रोच। ऑल सेक्शन ऑफ दिस सोसाइटी विल बी कवर्ड विथ अस। कर्नाटक विधानसभा की चूंटणी नजीक आ रही है त्यारे कांग्रेस पार्टीए प्रदेश की चूंटणी माटे मेनिफेस्टो जाहिर कर्यो छे। मेनिफेस्टो में कांग्रेसे पीएफआई और बजरंग दल पर प्रतिबंध मुकवानी जाहेरात करी छे, जो कि हवे भाजप और कांग्रेस वच्चे आ मुद्दे जुबानी जंग शुरू थई छे। असमना मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्माए जणाव्युं के भाजपे पीएफआई पर प्रतिबंध मुक्यो छे, एटला माटे कांग्रेस मेनिफेस्टो में बजरंग दल पर प्रतिबंध मुकवानी वात करी रही छे। तेमणे कह्युं के कांग्रेस कर्नाटक में मुस्लिम रिजर्वेशन फरीवार लागू करवानी वात करी रही छे। हेमंता शर्माए कहूं कि कांग्रेस गोहत्याना कायदा ने समाप्त करवा मांगे छे। तेमणे कहूं कि जो जिन्ना पण जीवित होत तो आवुं मेनिफेस्टो जाहिर न कर्युं होत। कांग्रेस बोल रहे कि गोहत्या का विरोधी कानून को, गोहत्या विरोधी कानून को मैं दोबारा, मैं गोहत्या को रेगुलराइज कर दूंगा। कांग्रेस बोल रहा है कि एंटी कन्वर्शन बिल जो हुआ है उसको खत्म करूंगा। आज जो कांग्रेस का मेनिफेस्टो है ये कंप्लीट मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट मैनिफेस्टो है। जिन्ना भी जिंदा होता था तो ऐसा मैनिफेस्टो कभी नहीं देता था, मेरा विश्वास है। लेकिन आज आप जिन्ना से भी नीचे चला गया। कर्नाटक में भाजपा मैनिफेस्टो विषय बात करता असम ना मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्माए जणाव्युं के यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करवाथी देश में लोगों ने समान अधिकार मळशे। तेमणे कह्युं के कर्नाटक भाजप द्वारा करायेल जाहेरात नी हुं प्रशंसा करूं छूं। हेमंत शर्माए कहूं कि देश में राष्ट्रव्यापी एनआरसी लागू करने जरूर है। तेमणे कहूं कि देश की स्वतंत्रता ने लगभग 75 वर्ष थी गया है, अमृत महोत्सव की उजवणी करवामां आवी रही है, त्यारे भारत पासे पोतानुं नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशीप नहीं। तेमणे कहूं कि आधार कार्ड थी नागरिकता पुरावो नहीं। कर्नाटक में 10 मे ना रोज विधानसभा की चूंटणी माटे मतदान करवामां आवशे, त्यारे 13 मे ना रोज मतगणतरी करवामां आवशे। अनाउंसमेंट ऑर कमिटमेंट टू इम्प्लीमेंट Uniform Civil Code in this country will go a long way to ensure gender justice and also to ensure equal rights to the Muslim women. This was long overdue. Karnataka BJP has made a very, very bold commitments. મોદી સરનેમને લઈને બદનક્ષી કેસમાં રાહુલ ગાંધીને હાલ કોઈ રાહત મળી નથી। હાઈકોર્ટે ઓર્ડર સુરક્ષિત રાખતા વેકેશન બાદ ઓર્ડર આવી શકે છે। મંગળવારે કોર્ટમાં પૂર્ણેશ મોદીના વકીલે દલીલો કરી હતી। બીજી તરફ રાહુલ ગાંધીના વકીલ અભિષેક મનુ સિંઘવીએ પણ જુદા જુદા કેસના ચુકાદાઓ ટાંકીને દલીલો કરી હતી। તેમણે એવી દલીલ કરી હતી કે વડાપ્રધાનની અટક મોદી છે, વડાપ્રધાનનું પદ ઊંચું છે, પણ તે આ ફરિયાદ કે કેસનો કન્સેપ્ટ નથી। મોદી અટકના 13 કરોડ લોકોમાંથી કોઈ હર્ટ નથી થયું, ફક્ત એક હાઈપર સેન્સિટિવ વ્યક્તિ જ થઈ। दिल्ली लीकर पॉलिसी केस में रोज नवा खुलासा थई रह्या छे। लीकर पॉलिसी केस में हवे राज्यसभा सांसद संजय सिंहनुं नाम सामे आव्युं छे। ईडीए चार्जशीट में कह्युं के अरुण पिल्लईनो सहयोगी अभिषेक पोइनापल्ली, विजय नायर, समीर महेन्द्र, अरुण अने तेना सहयोगी जूथ दिल्लीनी दारूनी नीति में रोकाण करवा आतुर हता, कारण के आ जूथ पासे रूपिया अने राजकीय ओळख तेमज अरविंद केजरीवाल साथे मित्रता हती। आ जूथ शरुआत में राज्यसभाना सांसद संजय सिंह ने मळ्या हता, त्यारबाद तेओ एक पार्टी में दिल्लीना उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदियाना संपर्क में आव्या हता। त्यारबाद आ समग्र कौभांड करवामां आव्युं होवानुं सामे आव्युं छे। आम आदमी पार्टीना नेता अने सांसद राघव चड्ढाए प्रेस कॉन्फरन्स दरमियान जणाव्युं के एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेटनी कोईपण फरियादमां आरोपी के शंकास्पद तरीके मारुं नाम नथी, एटलुं नहीं साक्षी तरीके पण मारुं नाम क्यांय नथी। તેમણે કહ્યું કે હું સ્પષ્ટપણે કહેવા માંગુ છું કે દિલ્હી લીકર પોલિસી કેસમાં મારું નામ સામેલ નથી।
कि सुबह से जो भी न्यूज रिपोर्ट्स और रिपोर्टिंग न्यूज चैनल्स के माध्यम से, वेबसाइट्स के माध्यम से या अखबारों के माध्यम से की जा रही है वो सरासर गलत है, फैब्रिकेटेड है, फॉल्स है, मेलिशियस है और मैं कहूं यहां तक मोटिवेटेड है, फैक्चुअली रॉन्ग और इनकरेक्ट खबर दिखाई जा रही है। मैं साफ करना चाहता हूं कि मेरा नाम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की किसी भी कंप्लेंट में एक अक्यूज्ड के तौर पर या एक सस्पेक्ट के तौर पर कहीं नहीं है। अक्यूज्ड और सस्पेक्ट तो छोड़ दीजिए, बतौर विटनेस भी मेरा नाम कहीं नहीं है। लेकिन पूरे देश भर में सुबह से प्रचार किया जा रहा है न्यूज चैनल्स के माध्यम से कि न जाने मुझे अभियुक्त के तौर पर, अक्यूज्ड के तौर पर चार्जशीट में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मेरा नाम शामिल कर कोर्ट में दायर किया गया। यह सरासर गलत है और मैं एक स्टेटमेंट पढ़ के पहले अपनी बात स्पष्ट तौर पर आपके सामने रखना चाहूंगा, उसके बाद इसके राजनीतिक पहलू पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मृत्युदंडी सजा फांसी नहीं परंतु अन्य कोई रीते आपवामां आवे तेवी मांग साथे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करवामां आवेली अरजी पर सुनावणी दरमियान केन्द्र सरकारे सर्वोच्च अदालत ने जणाव्युं के तेवा मुद्दे निष्णातोनी कमिटीनुं गठन करवा मुद्दे विचारणा करी रह्या छे। सुप्रीम कोर्टनी डिविजनल बेंचे केन्द्र सरकार द्वारा करवामां आवेली आ रजूआतनी नोंध लीधी छे। केन्द्र सरकार वती एटर्नी जनरले सुप्रीम कोर्टमां जणाव्युं के प्रस्तावित निष्णातोनी पेनल माटे नाम नक्की करवानी प्रक्रिया पर विचारणा चाली रही छे अने तेओ थोड़ा समय पछी आ मुद्दे जवाब आपशे। सुप्रीम कोर्ट में वर्ष 2017 में एक जाहिर रीतनी अरजी दाखिल करवामां आवी हती जेमां फांसी सिवाय दुखावो ओछो थाय ए रीते मृत्युदंडनी सजा फटकारवानी मांग करी हती। एनआईए टेरर फंडिंग मामले मंगलवारे कश्मीर घाटी में विविध स्थलों दरोड़ा पड़ा था और पूछपरछ माटे एक व्यक्ति ने कस्टडी में लीधो हतो। अधिकारीओ जणाव्युं के श्रीनगर, अवंतीपुरा, पुलवामा, कुलगाम अने अनंतनाग में लगभग 12 स्थलों दरोड़ा पाड़वामां आव्या हता। एनआईए श्रीनगरना साजेद विस्तारमांथी पूछपरछ माटे एक व्यक्ति ने कस्टडी में लीधो छे। कस्टडी में लेवामां आवेल व्यक्ति की ओळख ईशाक अहमद भट्ट तरीके थई छे। शंकास्पदना पिता मोहम्मद रमजान भट्टे जणाव्युं के एनआईए की टीम ईशाक ने पूछपरछ माटे साथे लई गई हती। अमारो कोईपण आतंकवादी जूथ के पत्थरमारा की घटनाओं साथे कोई संबंध नहीं। ईशाकना भाई बिलाल भट्टे जणाव्युं के ईशाक भणेलो नथी अने बारी लगावानुं काम करे छे। बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा और अभिनेत्रा राघव छड्डा 13 मे ना रोज दिल्ली में सगाई करी शके छे। गया महीने मुंबई में बने एकबीजा साथे लंच करता जोवा मळ्या हता अने त्यारबाद तेओ रिलेशनशिप में होवानी अटकळो शुरू थई हती, जो के मुद्दे बने क्यारे खुलीने वात करी न हती। एफआईना प्रमुख ब्रिजभूषणनी धरपकड़ क्यारे थशे ते मोटो सवाल थई रह्यो छे, कारण के तेनी सामे बे एफआईआर नोंधाई चूकी छे छतां दिल्ली पोलीस तेनी धरपकड़ करी शकी नथी। आ बधा वच्चे रेसलर बजरंग पुनियानुं मोटुं निवेदन सामे आव्युं छे। तेमणे जणाव्युं के डब्ल्यूएफआईए ओलिम्पिक माटे एक नियम बनाव्यो छे जे खिलाड़ीओ ओलिम्पिक माटे क्वालिफाई थया छे तेमांथी मात्र ते ज खिलाड़ीओने ट्रायल करवामां आवशे जेमणे डब्ल्यूएफआई ट्रायल करवा मांगे छे। दरेकने ट्रायल करवामां आवता नथी। ओलंपिक के रूल बनाए थे हमने, इसलिए खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले तो ये रूल के खिलाफ है ही नहीं, ये तो सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ है। और रूल की अगर मैं बताऊं आपको तो उन्होंने रूल बनाया है ओलंपिक के लिए कि जो खिलाड़ी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करके आएगा तो फेडरेशन का अगर मन करेगा ना तो उसकी ट्रायल होगी, बाकी सबकी ट्रायल नहीं होगी। तो ये तो उनके मन मर्जी के रूल हो गए ना, ये एक पांच खिलाड़ी क्वालिफाई करके आते तो पांचों की ट्रायल होगी। उन्होंने ये बोल दिया कि जिस फेडरेशन का मन करेगा ना कि भाई बजरंग की ट्रायल नहीं होनी चाहिए, बाकी चारों की ट्रायल होनी चाहिए, तो चार की ट्रायल होगी बजरंग की। सना कर्नाटक एकम ना प्रमुख डीके शिवकुमार ने लई जई रहेल हेलिकॉप्टर नु इमरजेंसी लैंडिंग करवू पड्यो हतु। मंगलवारे बपोरे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नी मालिकी ना एरपोर्ट पर हेलिकॉप्टर नु इमरजेंसी लैंडिंग करवामां आव्युं। वास्तवमां एक पक्षी हेलिकॉप्टर नी कॉकपीट ना કાચ સાથે અથડાયું, જેના કારણે આ નિર્ણય લેવો પડ્યો હતો। મળતી માહિતી મુજબ કોંગ્રેસ નેતા કોલાર જિલ્લાના મૂલબાગલમાં એક જાહેર સભામાં ભાગ લેવા જઈ રહ્યા હતા ત્યારે ડીકે શિવકુમારના હેલિકોપ્ટર સાથે પક્ષી અથડાયું હતું। આ ઘટનામાં કેમેરામેન ઘાયલ થયા છે।
भारतीय हवामान विभागे केरल ना चार जिल्ला माटे ऑरेंज एलर्ट जाहिर कर्युं छे। हवामान विभागे पठानमथिट्टा इदुक्की एर्नाकुलम अने त्रिशूर जिल्लामां वरसादनी संभावना व्यक्त करी छे। आ साथे हवामान विभागे प्रदेशना तिरुवनंतपुरम कोल्लम कोट्टम अने पलक्कडम अने मल्लापुरम सहितना जिल्लामां येलो एलर्ट जाहिर कर्युं छे। 24 કલાકમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે। હવામાન વિભાગ પ્રમાણે અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં 24 કલાકમાં 20 સેન્ટીમીટર જેટલો વરસાદ ખાબકી શકે છે। પંજાબી ગાયક સિદ્ધુ મૂસેવાલાની હત્યાના મુખ્ય આરોપી ગેંગસ્ટર ગોલ્ડી બરારની મુશ્કેલીઓ વધી ગઈ છે। કેનેડિયન પોલીસે જાહેર કરેલ 25 મોસ્ટ વોન્ટેડ ગુનેગારોની યાદીમાં ગોલ્ડી બરારનું નામ સામેલ કરવામાં આવ્યું છે। गैंगस्टर गोल्डी बरार आ यादीमां 15मा क्रमे छे, तेना पर इनाम पण राखवामां आव्युं छे। केनेडामां तेना पर हत्यानो आरोप छे। रॉयल केनेडियन माउंटेड पोलीसना कहेवा पर गोल्डी बरारने यादीमां सामेल करवामां आव्यो छे। केनेडा पोलीसे गोल्डी बरार पर इंटरपोलना आदेश पर आ कार्यवाही करी छे। गोल्डी बरारने केनेडा सरकार द्वारा बी ऑन द लुकआउट यादीमां मूकवामां आव्यो छे। ताजेतरमां नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए गोल्डी बरार अने तेना सहयोगीओ लॉरेन्स बिश्नोई અનમોલ બિશ્નોઈ વિરુદ્ધ ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી, જેમાં તેના આતંકવાદી સંગઠનો સાથે સંબંધ હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે। તો મહાત્મા ગાંધીના પૌત્ર અરુણ મણિલાલ ગાંધીનું 89 વર્ષની વયે મહારાષ્ટ્રના કોલ્હાપુરમાં નિધન થયું છે। અરુણ ગાંધીના પુત્ર તુષાર ગાંધીએ મંગળવારે ટ્વીટ કરી આ માહિતી આપી હતી। અરુણ ગાંધી છેલ્લા ઘણા દિવસોથી બીમાર હતા। તુષાર ગાંધીએ જણાવ્યું કે તેમના પિતાના અંતિમ સંસ્કાર કોલ્હાપુરમાં કરવામાં આવ્યા હતા। અરુણ મણિલાલ ગાંધી મહાત્મા ગાંધીના બીજા પુત્ર મણિલાલ ગાંધીના પુત્ર છે। તેમનો જન્મ 14 એપ્રિલ 1934 રોજ દક્ષિણ આફ્રિકાના ડર્બનમાં થયો હતો। અરુણ ગાંધીએ દાદાના માર્ગને અનુસર્યો અને સામાજિક રાજકીય મુદ્દાઓ પર કાર્યકર્તા તરીકે કામ કર્યું હતું।